हे भगवान, तू ही है बलवान, बड़ी मुश्किल से डाली है अंडे की दुकान, ऐसा कुछ कर दे अगले साल बन जाए मेरा मुर्गी का फार्म। इस कलयुग में हेलमेट पहन के मुर्गा, ए कौन है तू? तू वापिस क्यों आया फुकनी के? फुकने के लिए आया हूँ कमीने कुत्ते, ग्राहक बनकर आया हूँ, ग्राहक से तमीज से बात कर। गांव वालों कैसे तू? चुप। ठीक है, कितने अंडे चाहिए बोल। अकड़ बकड़ बम्बई बो 80-90 पूरे 100 अकड़ बकड़ बम्बई। ये मंदिर क्या मार रहा है? अंडा लेना है तो ले, नहीं तो भाग चल। मैं अपना किस्मत वाला अंडा ढूंढ रहा हूँ। किस्मत वाला अंडा, ये क्या होता है? ये चंदन पोल्ट्री फार्म के अंडे है ना? हाँ है। तो फिर उस पोल्ट्री फार्म का जो मालिक है ना? हाँ है। उसका क्या हुआ? उसकी हीरे की अंगूठी एक मुर्गी ने निगल ली और वो मुर्गी का अंडा तुम्हारी दुकान में आया है, जिसमें 12,000 की अंगूठी छुपी है। ऐसा भी कभी होता है क्या? अपना तो विश्वास नहीं है। मेरा तो है। चक्कर यह है कि मेरे पास 1 ही रुपया है, अंडा कौन सा लूं? अबे गधे, ये होलसेल की दुकान है, रिटेल की दुकान नहीं। 1 रुपया लेके अंडा खरीदने, चल भाग भाग चल। तू समझता क्या है? चाहे खुद को गिरवी रखना पड़े, ये सारे अंडे खरीद के ले जाऊंगा और 12,000 की अंगूठी पहन के आऊंगा। अच्छा, समझे? समझ गए। जा जा जा, समझ गए। जा गया, अब हीरे की अंगूठी मेरी, बराजन की अंगूठी इसमें होगी। कहाँ छुपी तू? मेरी अंगूठी तू आजा। अभी इतने दिन से मैं तुझे चंदन का हार नहीं पहना सका, तो कम से कम हीरो की अंगूठी तो पहना दो। ऐसे अंडे तोड़ के? किसी ने कहा है इस अंडे के अंदर हीरो की अंगूठी है। अच्छा, जल्दी करो। जल्दी ला। अरे दूसरा ले लो। जल्दी। अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, अंगूठी अंडे, अंगूठी अंडे, अंगूठी का है? अंगूठी का गई रे। अंगूठी मिली नहीं, सारे अंडे टूट गए। हाँ। लेकिन अंगूठी नहीं मिली। कैसे मिलेगी गुरु? तुम्हें सोचना चाहिए था अंडे तोड़ने से पहले कि अंगूठी तो मुर्गी के पेट में गई और अंडे कहीं और से निकलते हैं। नहीं छोटे राजा, मुझे मत मारिए, मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं छुआ। आखिर हुआ क्या रामा? आपके भाई लोगों ने यहाँ काम करने वाले नौकर का सिर मुंडवा दिया ना, तो उसने बदला लेने के लिए आपको मारना चाहा। उसने मेन स्विच की तारें बदल दी, आप हाथ लगाते तो मर जाती। अगर आपको लगता है कि मुझे आपको छूने से आपका स्विच को छूना अच्छा था, तो जाकर छुओ और मरो, मुझे क्या। माँ यही बात बताने आया था और आप लोग मुझे ही मारने लगे। आज के बाद आप लोग मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना, ना मैं दिखाऊंगा। आपको सलाम, आपके काम को भी सलाम। रामा। हाँ नहीं मालिक, बहुत हो गया, रामा बहुत मार खाया। रामा मैं जाता हूँ बड़ी भाभी। क्या मारा है? ओ माँ, माँ ने कितनी बार कहा हवेली की नौकरी मत कर मत कर, मैंने सुना नहीं सुना, अच्छी सजा मिली, माफ कर दे मैया, माफ कर दे। पहले स्वीट फिर अंडे, आज भाड़ोत्री और कल हाथ में कटोरी। अबे जा रे।
क्या हो गया, क्या हो गया? बलवान की बीवी बन गई। मैं क्या करूं, मेरी बीवी तो जिंदा है। चल भैया, चल लो, पहलवान की बीवी मर गई तो मैं बबलू। हाँ? मेरे नाक में दम करने के बजाय गांव में जाकर मेरी तरह इज्जत कमा लेना। मुझे लड़ने झगड़ने के सिवा कुछ आता ही नहीं, इज्जत कहाँ से कमाऊं? अरे मैं बताता हूँ, वेरी सिंपल। क्या हुआ, एक दिन सोहन भैया की माँ मर गई, मैं उसके घर चला गया तो बेचारा रो रहा था, मैं उसके नजदीक गया। सोहन भैया, मत रो, ये जो मरी हुई है ना, वो सिर्फ तेरी माँ नहीं थी, मेरी भी माँ थी, इसकी भी माँ थी, उसकी भी माँ थी, सारे गांव की माँ थी। बस सोन भैया ने रोना बंद कर दिया और सारे गांव में मेरी इज्जत बढ़ गई। ऐसा तो कुछ कर ना। पर आज तो किसी की माँ नहीं मरी ना। अरे माँ नहीं मरी तो क्या, वो कल्लू पहलवान की बीवी तो मरी। समझ गया समझ गया। कल्लू पहलवान के घर जाता हूँ, उसे दिलासा देकर आता हूँ। जल्दी जा, जल्दी जा। अरे बचेगा तो आएगा ना। मेरी बीवी मर गई, क्या होगा? मेरी बीवी मर गई। कल्लू पहलवान मत रो, ये जो मर गई है ना, सिर्फ तेरी बीवी नहीं थी, मेरी बीवी भी थी, इसकी भी बीवी थी, उसकी भी बीवी थी, ये सारे गांव की बीवी थी। मैंने आपसे पहले ही कहा था, इस सनाड़ी को साथ में मत देना। आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, इसकी वजह से सारा काम चौपट गया। अरे आप मुझे क्यों डांट रहे हैं छोटे राजा? हमारी सुंदर राजनंदिनी के लिए वो बजर बट्टू, अच्छा हुआ ये रिश्ता नहीं हुआ। ड्राइवर गाड़ी रोको। रामा तू नीचे उतर। मैं क्यों, पहले आप। अबे तुझे उतरने को कह रहे हैं, उतर। क्यों भाई राजा, आप नहीं उतरेंगे? हम लोग जगन्नाथपुर के जमींदार के लड़के को देखने जा रहे हैं, तू जाएगा तो वहां भी काम खराब करेगा। मालिक आपकी कसम मैं मुंह नहीं खोलूंगा। ए, धरा, खेले। ये किस लिए? रास्ता मालूम है तो घर चले जाना, वरना कहीं कुएं में डूब मरना। चलो ड्राइवर। अरे मालिक, मालिक मेरी बात तो सुनिए मालिक, मैं वहां लड़के के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं मालिक, मैं सच कह रहा हूँ मालिक, मुझे छोड़ कर ना जाइए मालिक। बड़ी भाभी, वो कजरी का बछड़ा रस्सी तोड़ा के चुपके चुपके दूध पी रहा था, मैंने पकड़ लिया और बांध दिया, अब देखता हूँ कैसे पी। क्यों रे, सुना है तो लड़की पसंद करने गया था, कोई पसंद आई? वो रामायण कैसे बताऊं भाई राजा, उसका बाप बहरा, उसकी माँ बहरी, मैंने गाने के लिए बोला और लड़की ने मुंह खोला, बस मैं तो ऐसा भागा कि घर आकर ही दम लिया। आज के बाद तो 10 साल तक माँ की हिम्मत नहीं होगी मुझे लड़की दिखाने की। अरे ये क्या, कमरा इतना चकाचक दिख रहा है, कहीं इन लोगों ने मेरा पत्ता काट करके किसी और को तो नहीं रख लिया। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, पहले ये बताइए आज कमरा किसने साफ किया? मैंने साफ किया है, आज से ये सारा काम मैं करूंगी। मर गए, जिस चीज का डर था आखिर हुआ ना भाई, बस आपके भाइयों के साथ बैठकर खाना खा लिया, आप नाराज हो गई? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ रामा। छोड़िए, ये क्या कर रही हैं आप? अरे छोड़िए, छोड़िए ना मुझे, ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे क्यों पकड़ रही मुझे, किसी ने देख लिया तो मर जाऊंगा छोटी मालकिन, अरे ये सब नुकसान हो जाएगा छोटी मालकिन। बैठिए। क्यों बैठिए? तो अच्छा बैठता, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे पाँव, मेरे पाँव। क्यों उठिए, क्यों खड़े हो जाइए, बजरंगबली मेरी रक्षा करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ ये मत कीजिए, बोलिए क्या करना है। मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरी शादी सारे गांव के सामने हो। अच्छा ये तो अच्छी बात है। उसके लिए तुम्हें मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा। मुझे, मैं क्यों? जो आदमी औरत के लिए कष्ट उठाता है, औरत को उस आदमी के पाँव पूछने चाहिए, पाँव दबाकर
उसकी सेवा करनी चाहिए। ओहो, ऐसा क्या? ऐसा करने से स्त्री की मनोकामना पूरी होती है। ओहो, ऐसा क्या? मेरे लिए तो कष्ट उठाने वाले तुम ही हो ना। हाँ। तो फिर मेरी मनोकामना पूरी होनी चाहिए कि नहीं? जरूर होनी चाहिए। तो फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, तो गिरिए गिरिए। पता नहीं क्या कुछ बोल रही हो, क्या कुछ कर रही हो। या आपके भाइयों ने देख लिया तो मेरी खाल खींच के ढोल बनवा देंगे। छोड़िए छोटी माल की, छोड़िए मुझे।